मुझे कल से लग रहा है जैसे मेरा ही एग्जाम है, इतना प्रेशर है मुझे, इतना प्रेशर है। मुझे नहीं लगता मेरी बच्ची का प्रेशर इतना ज्यादा होगा जितना मुझे। आज जैसे कि नीट एग्जाम्स में करीबन इंडिया में 24 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर लाल चौक पे हूँ वुमेन्स कॉलेज के पास में। ये ओवरहेड ब्रिज है, यहाँ पर पेरेंट्स की जैसे आप देख सकते हैं कतार लगी हुई है। जी, मेरे बच्चे का नीट का एग्जामिनेशन है तो उन्हीं को छोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया था, तो उन्होंने एंट्री ली है, वो दाखिल हो गए। कौन है आपके साथ? और मेरे साथ मेरी बीवी भी है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, तो हम दोनों यहाँ पर है। मेरी बच्ची का एग्जाम है, 720 में से मार्क्स है, तो मैक्सिमम आज जो कट ऑफ हो रहा है नीट का वो मेरे ख्याल से जो टॉप कॉलेज है वो 700 के ऊपर ऊपर करीब होगा। तो ये चीज़ देखकर पेरेंट्स भी ज़्यादा इसकी तरफ पॉजिटिव हो गए, ज़्यादा मतलब इनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत है, बच्चे को बहुत जाना है, आगे जाने के लिए उसको साथ साथ रहना बहुत ज़रूरी है। I got with me the senior officer from the NTA, National Testing Agency, with me, Mr. Piyush, and we'll speak to him about the examination in Kashmir. So thank you very much for speaking to Kashmir Live exclusively with us. We would like to know about the preparations which have been taken for this, to conduct this examination. First of all, thank you very much. Mm-hmm. Okay, this examination is conducted for candidates which are more than 24 lakhs all across the country. This time we have adopted many measures, like we have got the Aadhaar authentication and we have got the CCTV coverage, and there are many invigilators as well as flying squads which have been detailed by the NTA. So we intend to conduct it in a very free and impartial manner. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you once again. आज से 10 साल 20 साल इतना दबाव बच्चे पर नहीं था, आज बच्चे पर ज़्यादा दबाव है, नहीं करना है, वो करना है, ये पढ़ना है, दूसरी तरफ से कंपटीशन भी है, इसलिए बच्चे पर ज़्यादा दबाव है।